सत श्री अकाल, तुसी देख रहे हो फास्ट वे अमृतसर खबरनामा। मैं हां नवनीत रंधावा ते हुण इक नज़र अज दे बुलेटिन दीआं मुख खबरां वल। नगर निगम अमृतसर दे हाउस दी होई आखरी मीटिंग, मेयर करमजीत सिंह रिंटू ने कीती प्रधानगी। नगर निगम दी नवी वार्ड बंदी नू लेके ड्राफ्ट नोटिफिकेशन होया मुकम्मल, आख्या नगर निगम कमिश्नर संदीप ऋषि ने। अमृतसर पठानकोट हाईवे ते होया सड़की हादसा, एक व्यक्ति दी मौत, सात लोग जख्मी। अते हुन खबरां विस्थार नाल। नगर निगम दा हाउस 23 जनवरी नू खत्म हो रहा है। नगर निगम हाउस की आखिरी मीटिंग मेयर करमजीत सिंह रिंटू की प्रधानगी हेठ संपन्न हुई। विधायक डॉक्टर जसबीर सिंह संधु, विधायक जीवनजोत कौर भी अचेचे तौर पर मीटिंग विच शामिल हुए। मेयर करमजीत सिंह रिंटू ने पिछले 5 साल अमृतसर शहर की बेहतर सेवा करन अते वधिया ढंग नाल नगर निगम हाउस नू चलाउण लई कौंसलरां अते अधिकारियों का धन्यवाद किया। कमिश्नर संदीप ऋषि ने भी मीटिंग नू संबोधन किया। इस मीटिंग च कौंसलरां ने मेयर करमजीत सिंह रिंटू वालों पिछले 5 साल दिते गए सहयोग लई धन्यवाद किया। सीनियर डिप्टी मेयर रमन बख्शी, डिप्टी मेयर यूनिस कुमार समेत सारे कौंसलर इस मीटिंग विच शामिल सन। नगर निगम की इस मीटिंग च रखे गए मतियां नू प्रवानगी दी गई। ये 5 साल लगातार दिन रात गुरु नगरी की सेवा की, अपने काम भुल के, अपना परिवार भुल के, लगन नाल, मेहनत नाल, इमानदारी नाल इस शहर की तो शहर वासियों की सेवा की है। बहुत सारे कार्ज किए ने, अजे होर भी बहुत सारे करन वाले ने। सो मैं जिहड़ा सानू मौका अमृतसर की जनता ने दिता उहदा मैं धन्यवाद करदा और अपने तरफों कोशिश की है जस्टिफाई करन दी कि जोड़ी उन्होंने सानू शक्ति दिती है वो चंगे कामों के उत्ते, उन्होंने भलाई के उत्ते, शहरियों की और शहर के उत्ते वरती और वरती है। डिवेलपमेंट पक्षों असी किसी किस्म की कोई कमी पेशी नहीं रहन दी। बहुत व्डे व्डे प्रोजेक्ट भी लैके आए हैं, डिवेलपमेंट भी की है। वो मैं धन्यवाद करदा मेरे कुल जिहड़े कुलीग कौंसलर साथी ने, अधिकारी कर्मचारी ने, साडे मुख्यमंत्री और साडे मिनिस्टर साहबाना का, MLA साहबाना का, कि जिन्हों का हमेशा सानू सहयोग रहा और उन्हों की बदौलत असी इस नगर निगम और इस श्रोमणी शहर की सेवा कर सकते। और मैनू आस है कि आने वाला हाउस भी साडा बनेगा। इन्होंने चंगा टीम वर्क किया है जिहदा सेरा मेयर साहब दे सिर जांदा है कि उन्होंने सारी टीम नू चंगी तरह बन के रखिया सीगा और लोकां दे हक्कां दे लई और डिवेलपमेंट दे लई जिन्ने भी इशूज़ हैगे ने वो ये बखूबी निभाउंदे रहे और असीं इन्हां नू सब नू आने वाले टाइम दे लई इन्हां नू ऑल द वेरी बेस्ट कहने आ कि अगली बार लई देखो। बाकी ये लोकतंत्र है, मैं कह रही सी कि आपस च लड़न दा कोई फायदा नहीं है। लोग जिथे जिथे जिन्हों जिन्हों जिम्मेवारी सौंपणगे ये अपनी जिम्मेवारी बखूबी निभाउणगे, मैं ये उम्मीद रखदी हाँ। सो बहुत वधिया लगा पिछले 5 सालों की कारगुजारी का लेखा जोखा जिहड़ा वो वेख्या गया। अमृतसर शहर नूं सब तो वधिया बनाउण वास्ते जिहड़े जिहड़े काम मेयर साहब ने अपने टेन्योर दे विच कीते आ बहुत ही वधिया सार्थक ते मील पत्थर साबित होए आ। सो मैं मेयर साहब ते सारे कौंसलर साहिबान नूं इस गल दी भी वधाई दिंदा। बड़ा कुछ सीखण नूं मिलिया सारे साथियों दे नाल और फखर महसूस करदा कि गुरु नगरी दी सेवा करन दा मौका मिलिया और सच्चे दिल नाल, सच्चे मन नाल इस शहर दी और अपनी वार्ड दी सेवा कीती है। और अज मेयर साहब दा भी थैंक्स कीता सारे अपने कलीग जिन्हें भी साडे कौंसलर साथी, साडियां भैणां भी, लेडीज़ 50% सारयां दा। देखो 22 तरीक नूं हाउस दी टर्म खत्म हो रही है, 22 तरीक रात नूं। उस तो बाद सरकार वालों जो भी ऑर्डर होणगे वह कंप्लाई किए जाणगे। बाकी जिवें अज हाउस दी मीटिंग विच सारे कौंसलर साहबान वालों और मेन्स मेयर साहब वालों भी ये साढ़े ते जिम्मेवारी दसी गई है कि क्योंकि जो भी काम शुरू हुए उन्होंने चंगी तरीके खत्म करना, डिवेलपमेंट के कामों क्वालिटी इंश्योर करनी या साफ सफाई या प्रॉपर टैक्स वगैरह जो भी जिन्हें भी काम कारपोरेशन के ने उन्होंने चंगे तरीके जिहड़ा करना है वो साडी जिम्मेवारी रहेगी। और असीं भी सारे ऑफिसर जिहड़े ने वो कर्मचारी अधिकारी सारे विश्वास दवाने कि बिल्कुल असीं वधिया तरीके काम करांगे जिवें पहला कर रहे सी, सारे जानदारी नाल काम करांगे और शहर वासियों की और पंजाब सरकार की आसा दिखा देता है। नगर निगम अमृतसर का जिहड़ा वर्तमान हाउस है वह 22 जनवरी शाम नूं
ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹਾਊਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਮੇਅਰ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਿੰਟੂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਤੇ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਮੇਅਰ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਿੰਟੂ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਮੇਅਰ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਿੰਟੂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਆਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਪੰਨ ਹੋਈ। ਕੈਮਰਾ ਮੈਨ ਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਸਿਆਲ, ਫਸਟ ਨਿਊਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਫਾਸਟਵੇ ਨਿਊਜ਼ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਦੀਪ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਲਈ ਡੀਲਿਮੀਟੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਸਰਵੇ ਦਾ ਡਾਟਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਡੀਲਿਮੀਟੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਮੰਗੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਡੀਲਿਮੀਟੇਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਡਸ ਦੀ ਡੀਲਿਮੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਡੀਲਿਮੀਟੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੇਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਭਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟ ਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੋਰਡ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਰਾਫਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਸ ਡਰਾਫਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਫਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਸੁਝਾਓ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸੁਝਾਓ ਦੇਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ 7 ਡੇਜ਼ ਦਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਅ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣਗੇ ਜਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਫਾਈਨਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਜੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਜੋ ਡਰਾਫਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੁਝਾਅ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗੇ ਜਾਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਲੰਬਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਤਰਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡੀਲਿਮੀਟੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸੰਪੰਨ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਦੀਪ ਰਿਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਸਰਵੇ ਦਾ ਡਾਟਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਡਰਾਫਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਡੀਲਿਮੀਟੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਵਾਰਡਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵਾਰਡਾਂ ਹੁਣ ਨੇ ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਨਵੀਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਦਾ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਸਿਆਲ, ਫਸਟ ਨਿਊਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਭਿਆਨਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ 2 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ 7 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 5 ਜੀ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਡਿਵਾਈਡਰ ਪਾਰ ਕਰ ਪਲਟੀ ਖਾਂਦੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆ ਰਹੀ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਨਾਲ ਜਾ ਟਕਰਾਈ। ਦੋਵੇਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਭਿਆਨਕ ਟੱਕਰ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਕੇਸ਼ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ 7 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਬਟਾਲਾ ਵਿਖੇ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਈ। ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਅ ਜੀ ਚਲਾ ਰਹੇ, ਭਾਅ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਬੱਚੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ, 5 ਜਾਣੇ ਸੀ। ਸਰ ਮੈਂ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਭਾਬੀ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਭਾਅ ਜੀ ਮਿਲਣਾ ਜੀ। ਜ਼ਖਮੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਜਾਣੇ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਰੋਡ ਡੈਡ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਆਈ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੈ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਹੋਇਆ ਨਸ਼ਹਿਰੇ ਲਾਗੇ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ 7 ਸੀ ਜ਼ਖਮੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੈਫਰ ਕਰਤੇ ਨੇ ਅਤੇ 5 ਇੱਥੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਕੰਪਨੀ ਬਾਗ, ਜੋ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 84 ਏਕੜ ਥਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਟੂਰਿਸਟ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੈਰ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਂ ਖੇਡਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇੱਕ ਬੁੱਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਫਾਊਂਟੇਨਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਫਾਊਂਟੇਨਸ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਸਨ, ਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਫਾਊਂਟੇਨਸ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਅਤੇ ਰੱਖ ਰਖਾਵ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਉਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਮਿਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਭੀੜ ਫਾਊਂਟੇਨਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
फाउंटेन चलन वेले लाइट एंड साउंड का बहुत वधिया कॉम्बीनेशन मिलता है जिसन लोग इंजॉय करते नज़र आते हैं और फोटोज भी खिंचते हैं। साड़ी टीम नाल शहर के मेयर करमजीत सिंह रिंटू ने अपने विचार सांझे किए। जो नगर सुधार ट्रस्ट है वो वालों लाए गए थे तो ONM भी इन्हों के कोल सी और जो मैं मेयर बनया उदों तक इन्हों की ONM भी खत्म हो चुकी सी ते वो कोई वाली वार सी नहीं सी उन्हां फाउंटेन का बन रहा। फिर असी इनू अपने खर्चे दे विचों इनू असी सारे नू रिपेयर कराया बहुत वड्डा खर्चा दे उत्ते आया और नवीं लाइटां दी एडिशन की गई है साउंड सिस्टम लगाया पिछे जे कुछ साढ़े वलंटीयरस ने ते कुछ लीडर साहबाना ने बड़ी जल्दी च जाके जो अही उहदा रन ट्रायल सीगा उह रन ट्रायल दे उत्ते ही उन्होंने लोगों कह दिता कि यदि असी इनैगुरेशन की है पर प्रॉपर हुण इहदियां जिन्नियां भी इहदे च 40 लाख लगन तो बाद फिर इहदा असी बजट इनहांस कीता सीगा। इहदे विच नवीआं होर लाइट्स लगियां ने नवें नोजल्स लगियां ने और नवां साउंड सिस्टम लग्या और सारी एडिशन करन तो बाद हुण अज मुकम्मल तौर पर इहनूं असीं लोकां नूं समर्पित कर दिता ते लोकी अज रात तो बाद इहदा वधिया नज़ारा लैणगे और एक शहर की चंगी चीज़ है लोकी इत्थे आउंदे ने इंजॉय करदे ने। सो मैं लोकां नूं तुहाडे माध्यम नाल कहांगा कि हुण इह बिल्कुल एक वधिया तरीके दे नाल मयारी उहदे च सारियां प्रॉपर साउंड सिस्टम और लाइट्स और जिहड़े फाउंटेन ने उह सारे असीं प्रॉपर लगा के चला दिते ने। आओ सारे रल मिल के इत्थे इस बाग दे विच आ के अपने बच्चियां नूं लै के आओ अपने परिवारां नूं लै के आओ और इहदा निग मानो। कंपनी बाग विखे महाराज रणजीत सिंह दे बुद्ध कोल फाउंटेन चालू कर दिते गए ने प्रशासन वल्लों जो कि पब्लिक अट्रैक्शन ऑटोमैटिकली बन चुका है। तुसीं वेख रहे हो कि काफ़ी लोग इत्थे आए हुए हैं फाउंटेन का मज़ा लै रहे हैं और जो धुप सेक रहे हैं वो अपनी जगह आराम कर रहे हैं। एक तरीके का वधिया उपराला होया कि मेयर साहब की कोशिश हुई कारपोरेशन वालों कि यह फाउंटेन दोबारा चालू कर दिए गए जिन्हों में कि म्यूजिक और लाइट दोनों नाल नाल चलती है। उम्मीद करते हैं कि इदा ही चलते रहेंगे ठीक चलते रहेंगे ताकि आने वाले लोगों को जिनी अट्रैक्टिव कंपनी बाग हूँ लगन लग गया है उन्ना ही अगे भी लगता रहेगा। कैमरा पर्सन नरेश नाल जेबी सिंह फास्ट न्यूज अमृतसर। मस्तानी शाह दरगाह लाहौरी गेट विखे बाबा जी का सालाना मेला मनाया गया। विधायक डॉक्टर अजय गुप्ता मुख मेहमान सन और उन्होंने सम्मानित किया गया। प्रसिद्ध कवाला ने बाबा जी दे महिमा दा गुणगान कीता। सुदेश कुमार, राजेश, विश्व लूथरा, राहुल समेत कई लोग मौजूद सन। श्रद्धा दे नाल जिहड़ा मस्त पीर मस्तान शाह जी दे दरबार दे उत्ते नतमस्तक होण लई आए हाँ और हर साल की तरह इस साल भी जिहड़ा मेला जिहड़ा बहुत धूमधाम नाल मनाया जा रहा। इहदे लई मैं मुबारकबाद देंगा रोहित जी नूं देंगा मुबारक और इन्हां दी पूरी टीम। विधानसभा हलका अटारी दे पिंड करेंडा विखे विधायक जसविंदर सिंह रमदास ने डिस्पेंसरी का उद्घाटन किया। इस मौके पर सरपंच कारत सिंह वालों उन्होंने सम्मानित किया गया। उन्होंने लोगों दी मुश्किल सुनिया अते इन्हां दे हल का भरोसा दिता। इस मौके पर सबका सरपंच राजेंद्र सिंह, गुरचरण सिंह गोल्डी, डॉक्टर सकत्तर सिंह अते तनवीर सिंह खालसा समेत वड्डी गिणती विच पिंड वासी मौजूद सन। साढ़े को ग्रांट्स पईआं सीगीआं उहदे विचों इहनूं कंप्लीट कराया होस्पिटल ते पहला भी है। मैं नवें सिरे तो जिहड़े होस्पिटल है जिहनूं आपां महल्ला क्लीनिक्स कहिंदे आ उहदे वास्ते भी इत्थे बंदे भेजे सीगे कि पंचायत तों करा के लिआउणा। इन्हां ने करके नहीं दित्ता सी वापस उहनां नूं भेजता कि साडा किते इत्थे किहड़ा डाक्टर लग्गा उहदा बदल जाए। इह उस करके उह क्लीनिक नहीं बणी। हुण उहनां नूं दुबारा मैं फिर कहा जदों आउण उन्होंने अस्पताल में चलो डॉक्टर साहब भी ले लेंगे डॉक्टर साहब कितने बाहर थोड़े चल जाएंगे। साढ़े एक वेखो जी सब तो मंग ज़्यादा साड़ी स्कूल बारहवीं तक किया जाए दूजी या ग्राउंड की बाकी इन्हों काम लिख के देंगे। एक लाइटा चाहिए पिंड च फास्टवे का फिल्मी चैनल नंबर 240 फास्टवे मूवी चैनल नंबर 241 फास्टवे मैट्रो चैनल नंबर 242 फास्टवे म्यूजिक चैनल नंबर 243 गुरद्वारा शहीदा साहब तो सीधा प्रसारण चैनल नंबर 556 श्री दुर्गियाना तीरथ तो सीधा प्रसारण चैनल नंबर 563 किया जा रहा है। मंदिर लाल भवन मॉडल टाउन विखे सवेरे सीधा प्रसारण चैनल नंबर 241 और शाम को सीधा प्रसारण चैनल नंबर 242 किया जाता है। फास्टवे के लोकल चैनल्स से एडवरटीजमेंट देने फोन नंबर 7009300883 संपर्क किया जा सकता है। शहर विच दिन ब दिन वध रही ट्रैफिक प्रणाली लोगों लई समस्या का कारण बनती जा रही है जिस वाल जिला प्रशासन अते ट्रैफिक प्रशासन बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा जिस दे चलदियां शहर वासियां वल्लों साडी फास्टवे न्यूज़ टीम नाल गलबात करदियां दस्या गया
कि जिला प्रशासन अते ट्रैफिक पुलिस प्रशासन नूं चाहीदा है कि ट्रैफिक समस्या ले कोई ठोस उपराले कीते जाण अते शहर दीआं सड़कां उपर गलत तरीके नाल लगण वालीआं गड्डियां नूं हटाया जाए या फिर कोई कार पार्किंग दिती जाए तां जो शहर वासियां नूं ट्रैफिक समस्या तों निजात मिल सके। हाल गेट का इलाका है जी, मुश्किल यह है कि टैंपू इतने बहुत ज़्यादा हो गए हैं और दुकाना के अगे बिल्कुल खड़ा कर देंगे ने, किसी ने लंघना होंगे उन्होंने बहुत प्रॉब्लम होंगी है और अगर पिछले वेखते नहीं, जो स्कूटर पे तो चलो जी मारिया धक्का स्कूटर सुटता थले, चलो जी जिद मर्जी बच्चे मार जाने, मतलब ऐ है कि इन्हों का तरीका कोई नहीं ना है, जिते मर्जी जाम ला के खड़ा कर देंगे ने लोग, आसे पास सारा जाम ही जाम लग जाता वे, ये नहीं करते कि अगर पिछा कर लिए दुकाना देखिए जी गड्डिया ने उन्होंने तो काम ही पुछो तो लवारस है जी बिल्कुल ही उन्होंने तो कोई सोध नहीं हैगी क्योंकि पुलिस वाले जड़े उन्होंने कुछ नहीं कहते, वो जिते मर्जी गड्डिया ला के चल जाते, असं उन्होंने रिक्वेस्ट भी करने कि साड़ी दुकानदारी खराब होंगी है इतने ना लगाओ, पर वो कहें जी ठीक है जी अं 5 मिनट आए हैं, 5 मिनट कह के शाम तक नहीं आते जी, पता नहीं कितने चले जाते हैं और साड़िया दुकाना का बहुत मंदा हाल है, गड्डिया ने साड़ी दुकानदारी बहुत खराब की हुई, चाहिए यह है कि जहाँ तो इन्होंने ये पार्किंग च लगा इन्हों को पार्किंग का सिस्टम होना चाहिए, नहीं तो फिर गड्डिया के चलान भी कटने चाहिए, जे अगर स्कूटर मोटरसाइकिलों के चलान कटते तो फिर गड्डिया के चलान क्यों नहीं कटते। यहाँ बिल्कुल ड्राइवरी किसी को नहीं आती है, ऐसे घुसे जाते हैं, पता नहीं किसी को रोल क्या है क्या नहीं है ये कोई नहीं जानता है, रूल के हिसाब से अगर चलेंगे ना फिर बहुत बढ़िया होगा, यहाँ रूल के हिसाब से कोई नहीं चलता, रूल के हिसाब से अगर चलेंगे ना फिर बहुत चंगा हो जाएगा, रूल के हिसाब से जैसे हम रेड लाइट है वो ऐसे हम ऐसे ही क्रॉस करते हैं, फिर इधर से गाड़ी आती है वो ठोकती है, इधर से आती है वो ठोकती है, जब रेड लाइट का अपना रूल है वो जब हो जाएगा ना वो सबसे बढ़िया है, सबसे बढ़िया वही है। शहर में वाधा ट्रैफिक लोगों लिए जिते परेशानी का कारण बन रहा है, उत्थे ही जिहड़ियां गलत तहजीबां लग रही जिहड़ियां गड्डियां सड़कों के उपर भारी जाम नूं दस्तक दे रही ने, जिस संबंधी लोगों की गलबात करते हैं कोई आखना है कि पहला तो आटो जी वधी भरमार है वह भी लोगों नूं मुश्किल च पा रही है, तो दूसरा जिहड़ियां गलत गड्डियां लगदियां ने प्रशासन उस वल ध्यान देवे, जिस तरह पहला टो की जाती सी पुलिस प्रशासन वल्लों गड्डियां दी ते उस तरह कितें फिर मुड़ टो शुरू की जाए तो इन्हों सबक आजूगा कि अपन जिहड़ियां गड्डियां पार्किंग दे विच लगानियां चाहीदियां ने, कारण कि लोग जिथे दिल करता उत्थे अपनी गड्डी लगा रहे हैं तो जिस नाल भारी सड़क जाम हो जाती है तो लोगों का एक साइड तो दूसरी साइड विच जाने लई काफ़ी दिक्कत आती है तो अपने कामां कारण ते पहुंचने विच काफ़ी लेट होंदे ने, लोगों की मंग है पुलिस प्रशासन जागे तो इस वल पहल दे आधार दे उत्ते जिहड़ी कार्रवाई बनती है वह की जाए तां जो सड़कां दा हाल खुला डुला होवे ते लोगों नूं कोई मुश्किल ना आवे। कैमरामैन रमन कुमार दे नाल सुशील शर्मा, फास्ट न्यूज़। विधानसभा हलका अटारी दे पिंड करिंडी विच विधायक जसविंदर सिंह रमदास ने लोगों दीआं मुश्किलां सुनियां अते इन्हां दे हाल दा भरोसा दित्ता। सरपंच अजमेर सिंह वल्लों विधायक जसविंदर सिंह रमदास नूं सन्मानित कीता गया। इस मौके ते गुरशरण सिंह गोल्डी, कैमी ढिल्लो, सरपंच तनवीर सिंह अते सकत्तर सिंह समेत वड्डी गिणती विच पिंड वासी मौजूद सन। मैं अज अपने प्रोग्राम लोक मेलणी दे तहत पिंड च आया, करिंडी पिंड है, वधिया पिंड है, मेरे दोस्तों मित्रां दा पिंड है, जिन्नियां इन्हां मंगा रखियां सीगियां उन्हां चों एक अद्ध भावें कोई रह गई होवे जिहड़ी अगे आउण वाले फंडां च पूरी करती जाएगी, बाकी सारियां दी सारियां 5-6 मंगा सी सारियां पूरियां हो गईआं, उह सारे काम हो जाणगे, नाल मेरे वीडियो साहब नाल हुंदे ने, उह सारे नोट कर देंदे, उहनां दे एफिशिएंट ऑफिशियल सारे जिन्ने वी वर्करस ने, और मैं वादा करदा कि मैं जदों आवांगा ये मंगा पूरियां होईआं होणगीआं, ये कुछ बन गया होएगा क्योंकि मैं चलते रहना निरंतर पिंडा च रहना, यह नहीं है कि घर बैठना, अज जिन्हें भी सज्जन पिंड दे इकट्ठे हुए ने मैं उन्होंने सारे का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थाना मकबूलपुरा पुलिस ने एक दोषी नूं गिरफ्तार करके 20 ग्राम हेरोइन बरामद की है। थाना सदर पुलिस ने एक दोषी नूं गिरफ्तार करके 15 ग्राम हेरोइन बरामद की है। हुण समा हो गया एक छोटे जिहे ब्रेक का, ब्रेक तो बाद तुसीं देखोगे। बटाला पुलिस ने 3 व्यक्तियों नूं गिरफ्तार करके बरामद की 25 ग्राम हेरोइन। ए ते कुछ होर खबरें एक छोटे जाए ब्रेक तो बाद। फनलैंड, अपने बच्चों को नेचर का अनुभव और राइड्स का फन दीजिए, आइए कंपनी बाग में सबके मनपसंद फनलैंड में और मजे लीजिए बेशुमार राइड्स, बोटिंग, रेस्टोरेंट, हॉर्स राइडिंग, आर्टिफिशियल जू, डांस और बहुत सारी एक्साइटिंग एक्टिविटीज का। एंट्री सिर्फ 5 रुपए से शुरू।
on land, in your city, unlimited fun. तुझे देखा हुआ पागल पागल तुम्हारी बॉडी जैसे पारल पारल पासा जाने जा बन मेरी यामाहा लम्बे 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 है द थ्रॉटल लेट मी मेक यू मूव ब्रेक तो बाद एक बार फिर थोड़ा स्वागत है। पुलिस जिला बटाला वालों दो सके भरावां नूं गिरफ्तार करन दा दावा कीता गया जो पिछले काफी समय तो नशे दे काले कारोबार नाल जुड़े सन। दोवां भरावां बॉबी अते करन कोलों पुलिस ने 25 ग्राम हीरोइन एक कंप्यूटर कंडा अते एक गड्डी बरामद कीती है। पुलिस वालों कार दे ड्राइवर नूं भी गिरफ्तार कीता है जो इन्हां नाल अमृतसर तो यह हीरोइन लैके आउंदा सी। बटाला सिटी पुलिस थाना SHO सुखविंदर सिंह ने दस्या कि पुलिस पार्टी वालों नाकाबंदी दौरान एक स्विफ्ट गड्डी नूं रोक जां तलाशी लैण की कोशिश की तो गड्डी च सवार ड्राइवर अते दो व्यक्तियों की तलाशी लैण ते उन्हां पासों 25 ग्राम हीरोइन बरामद हुई। पुलिस ने मामला दर्ज कर अगली कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। ASI बलदेव सिंह ने हाथी गेट जिहड़ा स्पैशल नाकाबंदी की सी ते एक गड्डी आई स्विफ्ट कार नंबर PB35V7017 स्विफ्ट कार वाइट कलर की आई जो नाके के दौरान इन्हें रोकया उन्होंने उहदे विच तीन जवान सवार सी एक ड्राइवर दो भरा सी एक दा नाम बोवी ते एक दा नाम करन सन ऑफ राजकुमार ये दोनों हाथी गेट के रहने वाले सीगे। ये काफ़ी समय के उत्तों जोड़े आ नशे जड़ा धंधा करते आ रहे हैं। जो उन्हों का पता लगा तो इन्होंने गड्डी भजाने की कोशिश की थी कि ऐसे बलदेव सिंह ने गड्डी रोक के जो उन्हें चैकिंग की तो बोवी दे जी पेंट की जेब के एक मोमी लिफाफा निकलिया जिसन चैक करते जी हीरोइन 25 ग्राम बरामद हुई। जिहड़ा इसका भरा सीगा करन उस को एक कंडा बरामद होया तो जिहड़ा जी गड्डी हैगी स्विफ्ट कार ये टैक्सी स्टैंड तो किराए ते लैके अमृतसर तो समान लैके आउंदे आगे। रैली पंजाब बचाओ लच्चर अते भड़काऊ गीतां तो दा आयोजन 21 जनवरी शनिवार सवेरे 11:30 कंपनी बाग विखे कीता जाएगा। किसान नौजवान संघर्ष कमेटी पंजाब दे सूबा प्रधान बचित्तर सिंह कोटला दी अगवाई हेठ DSP दफ्तर चौगावां दे बाहर नशियां खिलाफ लगाया धरना 11वें दिन विच शामिल हो गया। इस मौके ते आख्या गया कि नशियां कारण पंजाब दी नौजवानी आए दिन नशियां दी पेट चढ़ रही है। नशियां कारण नौजवानां दीआं मौतां दा ग्राफ वधदा जा रहा है। मांग कीती गई कि पुलिस प्रशासन पूर्ण तौर ते पंजाब चों नशा बंद कराए, नहीं तां इह धरना इसे तरह जारी रहेगा। इस मौके ते हीरा सिंह मौलके, गुरिंदर सिंह माधोके, सविंदर सिंह फौजी, सरदूल सिंह, बाबा बसंत सिंह अते मनदीप सिंह समेत कई लोग मौजूद सन। दा धरना जिहड़ा आ 11वें दिन में प्रवेश कर चुका, अजे 11 दिन हो गए सानू। अज SPD जुगराज सिंह इत्थे पहुँचे, उन्हां नाल कुछ एक घंटा तक साडी डिस्कस होई नशियां दे मुद्दे दे उत्ते और जिहड़े पुलिस प्रशासन नजायज़ परचे कर रही आ उन्हां मुद्दिआं दे उत्ते डिस्कस चली साडी। विधायक डॉक्टर अजय गुप्ता वालों वार्ड नंबर 68 दे भगवान वाल्मीकि आश्रम अते श्री गुरु रविदास मंदिर विखे सीमेंट दे बेंच लगवा के दिते जाण ते लोकां वालों उन्हां दा धन्नवाद कीता गया। एडवोकेट विश्वलूथरा, सुभाष मल्होत्रा, सुनील अते विपिन समेत कई लोग मौजूद सन। अज अपने हल्के दे MLA डॉक्टर अजय गुप्ता जी दे दिशा निर्देशों के उत्ते वार्ड नंबर 68 दे भगवान वाल्मीकि आश्रम अते गुरु रविदास जी दे मंदिर दे विच टेबल लवाए जा रहे हैं ते इलाके दे लोकी इन्हां टेबलों का पूरा लुत्फ उठाणगे। बटाला दे अचली गेट विखे एक घर नूं चोर ने निशाना बनाया अते लखां रुपए दे गहने लैके चोर फरार हो गए। पीड़ित परिवारक मैंबरां ने दस्या कि वह नौकरीशुदा हन अते रोज़ दी तरह वह अपनियां ड्यूटियां ते गए हुए सी
जदों देर शाम वापस घर आए तो देखा कि दरवाजे के ताले टुटे हुए सन, लखा रुपया के गहने गायब सन। उन्हें आख्या कि सीसीटीवी विच एक शक्की गेट पार करता नज़र आ रहा है जिसनों कोई पहचानता नहीं है। उसने लोई की बुक्कल मार रखी है और लंगड़ा के तुर रहा है। उत्थे इतलाह मिलते मौके पर पहुंची पुलिस टीम वालों केस दर्ज करते हुए अगली कानूनी कार्रवाई के नाल नाल जांच शुरू कर दी गई है। सवेरे मैं ते मेरे वाइफ 9:45 असं अपने ऑफिस वास्ते गए जो साड़ी डेली की रूटीन आ, ते असी शाम 5:30 घर पहुँचे। तो उदों अजे असी घर के कोल ही सीगे ते मैनू मेरे मदर का फोन आया कि भी घर आओ जल्दी भी घर इदा चोरी हो गई। तो फिर असी तो घर के अंदर आके वेख्या तो घर के अंदर 3 अलमारियां खुलियां पईयां सी। सारी अलमारियां दे विच खलारा काफ़ी बाहर पिया होया सी। तो असी फिर उदा ही एज इट इज़ एकदम बहुत ज़्यादा घबरा गए। गोल्ड वगैरह काफ़ी सी विच, ते एक सोने का सैट, ते 3 चूड़ियाँ आई गैस, एंड उदे अलावा झुमके वगैरह कुछ है जिहड़े कि इत्थों चुके गए। तो उस तो बाद असी सीसीटीवीज़ वगैरह सर्च किए नाल दे पड़ोसियों के। उन्होंने एक बंदा असी वेख्या सवेरे 11 बजे के करीब, 11:10 के करीब जिहड़ा कि गेट टप्पिया, तो 11:50 तक वो अंदर रहा। चोरी असी चौंकी सी, सानू फोन एक आया कि असली गेट के बार बार दुआदास का मंदिर पैंदा उत्थे चोरी हुई है, मौके पर आए हाँ, आके चेक किया है, कुछ समान बच गया, कुछ हवड़दारी लै गए, बाकी कैमरे चेक करने सीसीटीवी जो भी कैमरे चाहेगा कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बाकी ये जरा परिवार है सारा सर्विस करता ही, बाहरों ताला लगा ही इन्होंने गेट टप के तो उन्हें चोरी की शख्स ने दस दिया, बाकी अगर जो भी सामने आएगा कानूनी कार्रवाई होगी। सतगुरु श्री बाबा लाल दयाल जी महाराज का 668वां जयंती महोत्सव 23 जनवरी गद्दी बाबा लाल दयाल चौंकर मुद्याड़ी विखे आयोजित किया जाएगा। फास्टवे वालों चैनल नंबर 998 से समागम का सीधा प्रसारण किया जाएगा। महाशिवरात्रि के संबंध में शिवाला गंगा राम विखे भजन संध्या का आयोजन किया गया। इस मौके पर भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार किया गया। दीनदयाल, अमन मेहरा, जय मेहरा, राजेश कपूर, विक्रम कपूर समेत कई लोग मौजूद सन। भगवान शिव की महिमा का गुणगान किया गया। पुलिस सांझ केंद्र नॉर्थ नेड़े जिला प्रबंधकी कंपलैक्स विखे सरबत दे भले लई श्री सुखनी साहिब दे पाठ कीते गए। एसीपी वरिंदरजीत सिंह खोसा समेत कई पुलिस कर्मचारी मौजूद सन। श्री राम मंदिर पल्ला कलोनी शेहाटा तो श्री बाबा लाल दयाल जी सेवक सभा वालों बाबा लाल जी के 668वें जन्म दिवस नूं समर्पित बड़ी श्रद्धा ते धूमधाम नाल शोभा यात्रा कढ़ी गई, जिसका शेहाटा के वख-वख इलाकों फुलां की वर्खा करके स्वागत किया गया। इस मौके वार्ड नंबर 81 तो उदेश कुमार मेशी प्रधान भाजपा नेता रमन शेहाटा ने विशेष तौर पर हाजरी भरी अते कहा कि श्री बाबा लाल दयाल जी नूं मनन वाले अज हर धर्म च मौजूद सन। इस मौके प्रधान अश्विनी भारद्वाज, सेवक कैलाश देव, विशाल जी महाराज, अश्विनी कालिया, अमन कुमार, राकेश कुमार, विजय कुमार, सुरेंद्र कुमार, विपिन कुमार, प्रवीण कुमार भी मौजूद सन। श्री बाबा लाल दयाल सेवक सभा वालों श्री बाबा लाल जी का 668वां जन्मदिन जिहड़ा है धूमधाम नाल मना रहे हैं। ये साडा तीसरा जिहड़ा है उपराला है, तीसरी यात्रा है, महाराज की शोभा यात्रा है जिहड़ी कि राम मंदिर गली विचों कढ़ी जांदी है। क्योंकि अही एक लाल द्वारा बनाउणा चाहुंदे आ इस इलाके दे विच, इत्थे लाल द्वारा कोई नहीं आ, क्योंकि अही बाबा लाल जी की शोभा यात्रा हर वारी कढ़ांगे, क्योंकि सानू जगह की प्रॉब्लम करके अही नहीं कढ़ सकदे। युवा वैष्णो दल दे प्रधान विनोद शर्मा की अगवाई है 20 जनवरी करवाए गए 29वें सालाना जागरण के संबंध में मजीठा रोड भवानी नगर विखे लंगर लगाया गया। इस मौके साबका कौंसलर अनुज सिक्का, गायक लविश लव अते होर शख्सियतां अते दल दे कमेटी मैंबरां वालों लंगर च सेवा की गई। वड्डी गिनती विच संगतां मौजूद सन। अते आखिर विच मुख खबरां एक बार फिर तो।
नगर निगम अमृतसर दे हाउस दी होई आखरी मीटिंग मेयर करमजीत सिंह रिंटू ने कीती प्रधानगी। नगर निगम दी नवी वार्ड बंदी नू लेके ड्राफ्ट नोटिफिकेशन होया मुकम्मल, आख्या नगर निगम कमिश्नर संदीप ऋषि ने। अमृतसर पठानकोट हाईवे ते होया सड़की हादसा, एक व्यक्ति दी मौत, सात लोग जख्मी। ऐसा नाच दियां खबरां, असी अगले बुलेटिन विच फिर मिलांगे। हुण मैनू दियो इजाजत, धन्नवाद।